हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बैंक ऑफ इंडिया BOI द्वारा PO के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट निकली है। PO की 500 पोस्ट निकली हैं। एनी डिग्री इसमें एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, मेल फीमेल महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं और इंडिया से किसी भी राज्य से। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, पेमेंट तक, पूरा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसी तरह की और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल करियर पेज पे, जिसमें रिक्रूटमेंट नोटिस में आप जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो व्यू ऑल पे पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन JMGS 1 अपॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBF प्रोजेक्ट नंबर 22-23/3 नोटिस डेटेड ये आ रहा है। इस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो ये PDF ओपन होती है, जिसमें एडवर्टीजमेंट का लिंक देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन पे क्लिक करना है तो यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दूँ। एडवर्टीजमेंट में ये 11 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, 25 फरवरी तक जाएंगे और एज आपकी और कैलकुलेशन आपकी काउंट होगी 1 फरवरी 2023 से, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसकी अभी बताई नहीं गई है। जैसे ही बताएंगे तो मैं आपको सबसे पहले आपको सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें दो पोस्ट निकली हैं, क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम की टोटल पोस्ट 350 हैं, जिसमें ये वैकेंसी वाइज कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसीज हैं। और IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपकी 150 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग बटी हुई हैं। टोटल 350 प्लस 150 500 वैकेंसीज हैं। तो आप ये अपना एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस पे अगर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका वेब पोर्टल, जिसमें 11 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, 25 फरवरी तक भरे जाएंगे, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है आप ये देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे लाता हूँ। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्रेडिट ऑफिसर एज JMGS स्किल 1 और IT ऑफिसर में, इन दोनों की एज है 20 से 29 साल। तो इसमें मांगी है, IT ऑफिसर से मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ, जिसमें 150 पोस्ट निकली थी, 4 ईयर की इंजीनियरिंग मांगी है इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में और लगा है, तो ये हो या ये हो, इन तीनों में से कोई भी एक हो वो चलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको फिलअप करना बताते हैं, प्रोसेस कैसे फिलअप करेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से अपन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया। ये इसकी 6 स्टेप्स हैं, जिसमें आपको आवेदन स्टार्ट करना है बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर में। बेसिक इन्फो पहला, दूसरा फोटो सिग्नेचर, तीसरा डिटेल, चौथा प्रीव्यू, पांचवा अपलोड्स, सिक्स्थ पेमेंट। तो यहाँ अपना कैंडिडेट का आप फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालिए, और उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। जिसमें स्टार मार्क है जैसे फर्स्ट नेम, वो कंपलसरी है, और लास्ट नेम अगर है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई इसमें नेसेसरी नहीं है। तो आपका नेम यहाँ आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको जो डालना है वो आप डाल दीजिए, जो आपका एक्टिव और वैलिड हो। मैं आप ऐसे ही एक डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ, आप अपना एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, जिससे कि उस पर फ्यूचर यूज़ और फ्यूचर रेफरेंस के लिए ईमेल और SMS आता रहें। अब इसके बाद मैं ईमेल एड्रेस डालूँगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद @domain सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पे फुल ईमेल एड्रेस लिखेंगे विद डोमेन। फुल ईमेल एड्रेस विद डोमेन @gmail.com करके लिखेंगे और ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर लेंगे।
सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आर यू श्योर द डाटा एंटर इज़ करेक्ट, नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ़ येस क्लिक ओके अदरवाइज कैंसिल। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो ओके कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। तो ओके मैं करता देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ गया फोटो सिग्नेचर में, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और ये पासवर्ड आ गए। अब आपको यहाँ स्कैन फोटोग्राफ लगानी है, अपलोड करनी है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके और आई कन्फर्म पे टिक मार्क करना है। ऐसी स्कैन सिग्नेचर लगाने हैं आपको, चूज़ फाइल करके और आई कन्फर्म पे टिक मार्क करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और मैं थर्ड स्टेप पे आ गया जिसमें डिटेल भरनी है आपको, बेसिक डिटेल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल, जिसमें आप पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं आरटी ऑफिसर की एज स्पेशलिस्ट इन जेएमजीएस स्केल 1 पे, और एससी कैटेगरी से मैं फ्लिप करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप एससी कैटेगरी से इसको फिलअप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आएगा एससी से, और आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए, अगर यस करेंगे तो आपको ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरनी पड़ेगी, नो कर दीजिए, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। उसके बाद ये सारे ऑप्शन क्लोज आएंगे, उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे लाएंगे, ये कह रहा है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दूज हु डाइड इन 1984 राइट्स में, तो आप येस और नो अपने हिसाब से कर दीजिए। रिलीजन विच बिलोंग टू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट, तो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो भरिए, और आर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए आप जिससे बिलोंग करते हैं। आर यू एक्स सर्विस मैन, तो येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए, अगर येस करते हैं तो पीरियड ऑफ मंथ देना पड़ेगा आपको, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से येस नो अपने हिसाब से कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है कि अदर इंडियन कर दीजिए। सेंटर कहाँ देना चाहते हैं एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, मैं एमपी में देना चाहता हूँ, एमपी में कहाँ देना चाहते हैं, भोपाल में देना चाहता हूँ। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है 1989 से 2003 तक आपको भरना है, और जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल वो सिलेक्ट कर दीजिए। ब्रदर आपके सिस्टर हैं, आपके ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो येस करेंगे तो आपको उनकी नेम और जेंडर देना पड़ेगा, नो कर देंगे तो नो कर दीजिए, अगर आपके हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है कि अनमैरिड है, तो अनमैरिड पे क्लिक कीजिए। अब अपने फादर का नाम दे दीजिए, आप फादर का नाम दे दीजिए, मदर का नाम दे दीजिए, उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस दे दीजिए, ये सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, स्टेट क्या है आपका, पिन कोड लिखना है आपको, पिन कोड लिख के आप सेम एज परमानेंट एड्रेस, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका तो सेम एज पे क्लिक कर लीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा, अगर नहीं है तो मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं आप। ये सब देखने के बाद आपका एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग कहाँ चाहते हैं, परमानेंट पे के प्रेजेंट पे, और आपका एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस अमाउंट आ रहा है 175 रुपये, ये आप सब भर के वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये आ गया वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसके बाद इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका सेकंड थर्ड स्टेप के सेकंड स्टेज पे पहुंचाएगा जिसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेज भरनी है। इसमें आपको लैंग्वेज भरनी है, डिग्री आपको भरनी है, डिग्री आपने किस में करी है, 4 ईयर बी इन कंप्यूटर साइंस आईटी किस में करी है वो आपको भरना है, 4 ईयर बी इन आईटी में भर देता हूँ। इंस्टीट्यूट का नेम क्या है आपका वो भर दीजिए आप, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है आपकी वो भर दीजिए, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे वो भर दीजिए आप, फर्स्ट क्लास आई थी, सेकंड क्लास के पास हुए थे क्या आए, किस ग्रेड से हुए थे वो आप भर दीजिए। इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी है आपकी 4 ईयर बी इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, तो वो मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद डू यू हैव DOECCB लेवल सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए, अगर है तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी पड़ेगी, डेट मंथ ईयर आपको पासिंग का लिखना पड़ेगा, तो यस नो अपने हिसाब से कर दीजिए, कंपलसरी नहीं है, ये और में था। इसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस भी आप यहाँ लिख सकते हैं, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन फ्रॉम से टू तक कब तक किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी,
रीज़न ऑफ लिविंग क्या था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर मंथ और डे में क्या थे। अब आपको लैंग्वेज नोन्स जाननी है तो आपको हिंदी, इंग्लिश या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो वो आप रीड राइट स्पीक पे टिक मार्क कर दीजिए। एक लैंग्वेज तो लिखना कंपलसरी है, अगर आपको मल्टीपल भी आती हैं तो मल्टीपल भी लिख दीजिए। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मैं आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। इसके बाद इसको चेकआउट कर लीजिए, अगर सही है तो इसको स्क्रॉल डाउन करके अपन नीचे लाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आया। अब इसके बाद आप आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ये आ रहा है ओके और कैंसिल। यहाँ आपका लास्ट स्टेज है, अगर इसके बाद आपने इसको ओके कर दिया तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई भी गलती लग रही है पीछे से आने तक अभी तक, तो आप इसको ओके कर दीजिए, नहीं तो एडिट नहीं कर पाएंगे। ओके कर दिया तो एडिट नहीं कर पाएंगे, और अगर एडिट करना है तो कैंसिल करके बैक जाके एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ, और आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो ओके कर देंगे। तो ये आपका चला जाएगा फिफ्थ स्टेज के अपलोड सेक्शन पे, जहाँ आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करना है। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगा लिया, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल कर लिया। उसके बाद अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कह रहा है ओके और कैंसिल, तो ओके कर देंगे हम। और ये पेमेंट पेज पे पहुंच जाएगा, जहाँ ₹175 का पेमेंट आ रहा है आपका, और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप, ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद ये आप जब सबमिट करेंगे तो ये आपका पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा। सबमिट कर दीजिए, डू यू वांट टू सबमिट, तो ओके और कैंसिल आएगा, ओके कर देंगे, तो ये आपका पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड, भीम यूपीआई से सबसे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आप कार्ड नंबर डालें, एक्सपायरी डेट, ईयर, सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम डाल के मेक पेमेंट कर सकते हैं, सेम एज डेबिट कार्ड है। अदर डेबिट कार्ड में आपके ये तीन बैंक आ रहे हैं, उनमें से आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, और ये और भी बैंक दिए गए हैं जिसमें भी आपकी फैसिलिटी है नेट बैंकिंग की, उसके माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको इसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके रखना है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में, फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर पर्पज़ के लिए। वॉलेट, कैश कार्ड से भी कर सकते हैं, QR कोड, भीम UPI से भी कर सकते हैं, UPI भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो जिस पे आपकी फैसिलिटी है उससे आप करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म बाद में अपना फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर पर्पज़ के लिए आप संभाल के रख लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया इसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का, बैंक ऑफ इंडिया का, प्रोफेशनरी ऑफिसर का पूरा, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, पेमेंट तक कैसे भरेंगे फॉर्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ हेल्पफुल लगी हो तो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके अपने ऑल जॉब केंद्र चैनल को, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया BOI में भर्ती जो निकली है प्रोफेशनरी ऑफिसर की, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ऑनलाइन फॉर्म था ये 2023 का प्रोफेशनरी ऑफिसर का, 500 पोस्ट निकली थी, एनी डिग्री इसमें एप्लीकेबल थे, एलिजिबल थे, ऑल इंडिया से मेल, फीमेल, महिला, पुरुष आवेदन कर सकते थे। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक, पूरा प्रोसेस कैसे भरेंगे आप। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपके अपने ऑल जॉब केंद्र यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाले और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें इसी प्रकार आपके अपने ऑल जॉब केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।